हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और हमारे करतार की तरफ से चलने वाली ऑनलाइन क्लास में जुड़ने का प्रयास भी कर रहे होंगे और अपने दैनिक दिनचर्या के साथ साथ अपनी पढ़ाई में भी व्यस्त होंगे। जैसे कि आपको पता है, हम लोगों ने प्रत्येक दिन ऑनलाइन क्लास, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है CGL को लेकर के, MTS को लेकर के, हर सब्जेक्ट को चलाते हैं और आप आनंद भी लेते हैं और हमारे चैनल को देखते भी है। जैसे कि आपको पता है कि आज हमारा क्लास GK का है और GK में जो CGL का एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था उसको लेकर के हम लोग आए हैं और ये क्वेश्चंस बहुत ही अनिवार्य है। देखो भाई, सबसे पहले तो आप जब कोई एग्ज़ाम को देते हो तो उसके लिए आपको एक रोड मैप जरूरी होता है। और वो रोड मैप क्या है? तो सबसे पहले सिलेबस होता है, सिलेबस के बाद टेक्स्ट बुक होता है, टेक्स्ट बुक के बाद क्वेश्चंस बैंक होता है। क्वेश्चंस बैंक में दो तरह का क्वेश्चंस आपको पता होना चाहिए, खास करके एक मॉडल क्वेश्चंस होता है और एक प्रीवियस क्वेश्चन होता है। तो ये क्वेश्चन का सिलेक्शन बहुत ही ज़रूरी है। अगर मान लेते हैं आप क्वेश्चन सिलेक्शन करते हैं और उसको रिविज़न करते हैं तो आपको आइडिया होता है कि किस सब्जेक्ट में कौन सा क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है और इम्पॉर्टेंट है। और उससे आपको एक स्किल डेवलप्ड होता है कि क्वेश्चंस कैसे पूछा जाता है और कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चंस आता है। ठीक है, इसी को ध्यान में रख करके हम लोग इस एग्ज़ाम को CGL को लेकर के, SSC लेवल को लेकर के, ठीक है, हर सब्जेक्ट का क्वेश्चंस को, प्रीवियस ईयर को क्वेश्चंस को तैयार करते हैं और उसको आपके बीच लाते हैं। और आज हमारे बीच, आपके बीच है GK का। मैं डॉक्टर वीरेंद्र आपके लिए ये सेक्शन लेके आया हूँ और मैं शुरू करता हूँ क्वेश्चंस का कुछ सीरीज जिसमें आप बनाने का प्रयास करेंगे। और देखो भाई, एक बहुत ज़रूरी बातें हैं, जब भी आप क्वेश्चंस बनाओ ऑनलाइन क्लास में तो आपको ज़रूरी होता है कि आप कागज़ पेंसिल लेकर के बैठो। ठीक है, जो भी इन्फॉर्मेशन होता है आप उसको नोट करते जाओ। ठीक है, ओके। तो हम लोग शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस को लेकर के और क्वेश्चंस हमारा ये है। देखिए, हमारे स्क्रीन पर ये क्वेश्चंस आया है और क्वेश्चंस आप दिखाई दे रहा है आपको। क्वेश्चंस है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय से निकलती है? देखो भाई, हिमालय का कई रेंज होता है। भारत के मानचित्र में हमारा ये जो है भारत का मानचित्र है, मैं एक थोड़ा सा आपको रिव्यू कर देता हूँ। भारत का ये मानचित्र है, मान लेते हैं हम ये आपको मानचित्र को फॉलो करते हैं। बस इतना ही रखते हैं और इसमें हम सिर्फ आपको, ठीक है, तो ये जो नेपाल का क्षेत्र है यहाँ से एक हिमालय का रेंज आता है, ठीक है ना, और सबसे निचली रेंज जो है शिवालिक रेंज होता है और इसी से नेपाल के क्षेत्र में जो पड़ता है ना वो हमारा शिवालिक रेंज होता है, शिवालिक रेंज होता है, जहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर जो नेपाल का क्षेत्र है यही नेपाल हिमालय का क्षेत्र है और यहाँ से कुछ नदियाँ निकलती है और आपसे पूछा जाता है कि नदियाँ कौन सी है, जैसे चिनाव है, ठीक है, घाघरा है, चंबल है और बेतवा है। तो इस चारों ऑप्शंस में से आपको पूछना है, बताना है कि आप नेपाल हिमालय का जो नदियाँ है वो कौन सी नदी है और इस नदी में, ठीक है, यहाँ से गंगा नदी इस तरह से निकलती है, गंगा है, ये गंगा नदी है और यहाँ से और भी जैसे कि यमुना नदी आपको एक निकलती है इस तरह से इलाहाबाद में आकर के, ये यमुना नदी है, यमुना, और इसी से घाघरा नदी भी निकलती है। तो नेपाल नदी से, नेपाल हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं वो एक तरह से कह सकते हैं नेपाल से निकलने वाली नदियां जो है यहां पर आंसर हो जाएगा आपका, सॉरी आंसर ये होगा, इसमें ये आंसर नहीं होगा बल्कि आंसर ये होगा घाघरा नदी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? घाघरा हो जाएगा, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय से निकलती है? तो घाघरा नदी निकलती है। अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में हम लोग ये आते हैं। देखिए भाई, अगला क्वेश्चन है हमारा ये कि सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से कौन सा शहर अस्तित्व में था?
देखो भाई, सिंधु घाटी की सभ्यता जो है वो बहुत ही फेमस सिविलाइजेशन था। सिंधु घाटी की सभ्यता का पूछ रहा है कि कौन सा अस्तित्व में था, ठीक है, कौन सा अस्तित्व में था, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर सांची है जो मध्य प्रदेश में स्थित है, मुजरिस, अयोध्या और हड़प्पा। तो आपको याद होगा कि ये हमारा कौन सा क्वेश्चन आता है, ये सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता जो है हमारे देश का एक ऐसा सभ्यता था, सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी और यहाँ से हम लोगों को इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा गया है। और यह हड़प्पा नाम का एक शहर है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, हड़प्पा हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा। यह नगरीय सभ्यता थी और भारत का सबसे प्राचीन सभ्यता में से एक माना जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, कि फरवरी 2002 में माना जाता है कि फरवरी 2002 में किस भारतीय राज्य में एक अवार्ड शुरू किया है जिसका नाम है सद्भावना परियोजना। यह महाराष्ट्र है, गुजरात है, असम है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र में यह चलाया जाता है। इसमें से आपको जानना है कि किस राज्य में सद्भावना परियोजना चलाया जाता है। सद्भावना परियोजना एक ऐसी परियोजना है जिसमें कुछ खास जो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के डेवलपमेंट संबंधी प्रोग्राम है उसको चलाया जाता है, तो यह प्रोग्राम असम में चलाया गया है। असम में सद्भावना परियोजना जो है असम में चलाया जाता है, ठीक है। असम में यह परियोजना क्या है, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर, राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने के लिए चलाया जाता है, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, असम सरकार ने इस योजना को चलाया है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग जाते हैं और अगला क्वेश्चन है साइंस का क्वेश्चन है, मेंडलीफ के आवर्त सारणी। देखो, मोस्ले का आवर्त सारणी था और मेंडलीफ का भी आवर्त सारणी था, इसमें पूछ रहा है आपको मेंडलीफ के आवर्त सारणी के अनुसार कार्बन का परमाणु संख्या पूछ रहा है इसमें क्या है। तो भाई बहुत ही यूनिवर्सल क्वेश्चन है, कार्बन के कई अपरूप होते हैं, उसमें छः क्रमांक संख्या होता है, आपको इस पर बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, एक लिस्ट आता है, ठीक है ना, और उस लिस्ट को आप लेकर के रट्टा मार लीजिए, ठीक है ना, और कौन सा प्रोग्राम परमाणु का या कौन से जो कार्बनिक तत्व है और या अकार्बनिक तत्व है उसमें कितने परमाणु संख्या होता है, द्रव्यमान भार होता है, ये आपको रटना पड़ेगा और इसी से सवाल पूछा जाता है। एक आध क्वेश्चन हर बार हर एग्जाम में पूछता है और उस लिस्ट से आप कन्फर्म हो सकते हैं, एक सवाल तो आपको पक्का है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6। एक कार्बन का परमाणु संख्या क्या है, 6 है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन में ये है क्वेश्चन हमारा एबीज, ठीक है, यहां पर एबीज है, एबीज जो है क्या है, एबीज गर्म रक्त वाले जीव होते हैं। आपको ये इंफॉर्मेशन दिया है, उनका दिल यानी कि हार्ट जो है ना, ये दिल किस तरह का होता है, तो प्रायः दिल जो कितने प्रकार के होते हैं, तो कह सकते हैं दिल का आकार जो है ना, वह ये दिल एक फोर चैम्बर वाला होता है, ठीक है, फोर चैम्बर वाला होता है, 1, 2, 3 और 4, फोर चैम्बर वाला होता है दिल, ठीक है। तो ए बीज रक्त गर्म रक्त वाले जीव का उनका दिल कितने दिल होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 पक्ष वाले होता है, ठीक है, माना जाता है चार चैम्बर होता है, मनुष्य की तरह होता है। यह समुद्री क्षेत्र में पाया जाने वाला एक एबीज वर्ग है जो पक्षी माना जाता है, पक्षी है, ठीक है ना, तो यहाँ पर कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर, मनुष्य की तरह 4, हार्ट में 4 चैम्बर होता है। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, छठा नंबर का क्वेश्चन है, उस्ताद जाकिर हुसैन
उस्ताद जाकिर हुसैन ये पूछ रहा है कि एक प्रसिद्ध भारतीय वादक था भाई, जाकिर हुसैन का नाम कौन जानता है। ये बड़े बड़े बाल से लेकर के तबला वादक माना जाता था, तबला वादक होता था, ये तबला वादक है उस्ताद जाकिर हुसैन। यहाँ पर वायलिन वादक मैंने चिन्ह लगा दिया है। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका आंसर, आंसर हो जाएगा तबला वादक। इसमें क्या हो जाएगा आंसर, तबला वादक। ठीक है, तो उस्ताद जाकिर हुसैन किससे है, तो यह तबला वादक है। एक तबला वादक और वाद्य यंत्र से भी सवाल पूछा जाता है आपको हर एग्जाम में, तो इसके लिए आप बहुत ही परफेक्ट, आपको क्या होगा कि आप क्या करो कि विभिन्न म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और उससे जो कलाकार है उसका नाम याद रख लो। इसके लिए कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जहाँ जहाँ से होता है वहाँ कलेक्ट कर लो और उसको याद कर लो, जैसे होता है खाने की वस्तु की तरह आप रट्टा मार करके याद कर लो, और यही एक बहुत महत्वपूर्ण उपाय है ये ऐसे सवाल को बनाने के लिए। तो तबला इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक क्वेश्चन पहले चला गया। हाँ, यहां पर हमने थोड़ा 4-5 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमने बनाया था आपको, अब ये क्वेश्चंस बनाना है। ठीक है, ये क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस क्या है, तो क्वेश्चंस है निम्नलिखित में से कौन सा अरुजुकी संघ नॉन कॉन्टैक्ट्स के अंतर्गत नहीं आता है। तो कौन सा नहीं आता है, तो यहाँ पर वर्टिब्रेटा है, ठीक है, एलिनिना है, ठीक है, मोलस्का है, और पॉरीफेरा। तो यहाँ पर कौन सा नहीं आता है, तो यहाँ पर आपको आंसर हो जाएगा क्या, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा पॉरीफेरा। ये पॉरीफेरा होगा जिसको नॉन कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं, नॉन कॉन्ट्रैक्ट्स, यह एक प्रकार का आप रीढ़ की हड्डी जो बैकबोन होता है ना, ये बैकबोन जो होता है, यही बैकबोन, ठीक है, ये बैकबोन जो होता है इसी के आधार पर माना जाता है। ठीक है, वर्टिब्रेट आप समझ रहे हैं कि जो रीढ़ की हड्डी होता है, तो इसमें क्या कहता है, नहीं होता है, तो नहीं होता है पॉरीफेरा में, नहीं होता है, और सब में होता है, सभी में होता है, मोलस्का में भी होता है, जो इसको आपको घोंघा सितवा वगैरह जो होता है, कछुआ होता है, उसके बाहर से ये रीढ़ की हड्डी होती है, बैकबोन जो होता है वो होता है, इसमें पॉरीफेरा में ये नहीं होता है, ये रीढ़ की हड्डी जो होता है वो नहीं होता है। तो इसका 7 का आंसर क्या हो जाएगा, पॉरीफेरा, छिद्रन कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम क्या है, महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम क्या है, तो महात्मा गांधी का आत्मकथा का नाम क्या है, माय म्यूजिक माय लाइफ, जस्टिस फॉर द जज, और यहां पर है सत्य के प्रयोग, द स्टोरी ऑफ द एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। ठीक है, महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था वह 1869 ईस्वी में 2 अक्टूबर को हुआ था, और वहाँ से लेकर के, ठीक है, 2 अक्टूबर से लेकर के सफ़र 1948 तक का जो सफ़र है यह इसी बुक में लिखा गया है। इसका है सत्य के प्रयोग, जिसमें उन्होंने सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका से लेकर के 1893 में वह ब्रिटेन गए, विदेश गए बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए, वहाँ से आए 1893 में वह साउथ अफ्रीका गए, और साउथ अफ्रीका से 1905 ईस्वी में फाइनली 1902 ईस्वी में आया था, और फिर 1915 ईस्वी में फाइनली आया, पब्लिकली हुए कब, एक BHU यूनिवर्सिटी जो था जिसका बनारस विश्वविद्यालय है वहाँ पर पब्लिकली हुए 1916 में, और लखनऊ अधिवेशन जो 1916 में लखनऊ में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था वहाँ पर उन्होंने
पहली बार कांग्रेस के मंच पर शामिल हुए थे और फिर उसके बाद तो सफर महात्मा गांधी के नाम से हो गया। ठीक है, 1919 के जलियांवाला बाग के बाद महात्मा गांधी का इतना एक तेजी से लोकप्रियता बढ़ी कि 1920 में उन्होंने फर्स्ट नेशनल लेवल मूवमेंट चलाया और असहयोग आंदोलन चलाया और फिर तो उनका सफर की गाड़ी जो है ना ये ऐसी चली कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में जब वह अपने आप को समर्पित करते हुए ये कहा कि देश को करो या मरो, यानी कि देश को आज़ाद करने के लिए एक आदमी को हमेशा जीवन के अंतिम समय तक प्रयास करना चाहिए या उसी के प्रति वह शहीद होना जाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से महात्मा गांधी का सारा सफर जो है यह इसमें है सत्य के प्रयोग, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ में है। तो क्वेश्चन पूछा गया है आत्मकथा का नाम क्या है, तो निश्चित तौर पर सत्य के प्रयोग होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, अगला प्रयोग है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन है कि एरावतनेश्वर, थोड़ा उच्चारण सही से कीजिएगा, एरावतनेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में है। तो देखो भाई, ये मंदिर जो है दक्षिण भारत के द्रविड़ शैली में बना हुआ है। किस शैली में है? द्रविड़ शैली में बना हुआ है, यह मंदिर जो है द्रविड़ शैली में बना हुआ है। द्रविड़ शैली में, और द्रविड़ शैली की जो महत्ता है यह इस तरह से होता है, ये मंदिर की कैरेक्टर है इस तरह से, ये फैलता जाता है, ये जो आवरण है ना ये फैलता जाता है और ये तमिलनाडु में पाया जाता है, यह तमिलनाडु में है एरावतेश्वर मंदिर, जो इसमें कई मंदिरों का अवशेष होगा इस तरह से। ठीक है, ये फैलता जाएगा। एक और शैली होता है जो नागर शैली कहते हैं और एक और शैली होता है वेसर शैली होता है। तो तीनों, नागर शैली नॉर्थ इंडिया में और वेसर शैली मध्य भारत में पाया जाता है। नागर शैली का जो प्राय मंदिर होता है ना इस तरह का होता है, वेसर शैली का इस तरह का मंदिर का टावर होता है और वेसर शैली का जो मंदिर होता है वह इस तरह का होता है। ठीक है, वेसर शैली का, नागर शैली का, नागर शैली ये उत्तर भारत हुआ, ऐसा उत्तर भारत, ये मध्य भारत हुआ और ये दक्षिण भारत हुआ। दक्षिण भारत में प्राय इस तरह का मंदिर द्रविड़ शैली का, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। एक और क्वेश्चन हमारा अगले स्क्रीन पर आ रहा है आपका, क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता नहीं है? पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता नहीं है, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता क्या है? तो देखो भाई, एकल सिटीजनशिप जो है, सिंगल सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, भारत की न्यायपालिका जो संघ की व्यवस्था है, यहाँ पर लिखित संविधान है, यहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं कि संविधान की वह व्यवस्था जिसमें बहुत सारी व्यवस्था ऐसे बहुत ही सॉफ्टनेस ढंग से संशोधित होता है और कुछ ऐसी व्यवस्था है जो बहुत ही हार्डनेस पॉलिसी होता है। तो इस स्थिति में कौन संघ मतलब विशेषता नहीं है या विशेषता है? तो ये नहीं है, संघवाद जो है भारत की विशेषता, भारत राज्यों का संघ है। क्या कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है, ये आर्टिकल्स वन में इसका वर्णन किया गया है। तो भारत एक संघवाद है या विशेषता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन पर देखिए, बहुत ही कॉन्सेप्टुअल क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है कि मानव जनसंख्या का वह अध्ययन जिसमें उनके आकार, देखो भाई आकार पूछ रहा है, संरचना पूछ रहा है और स्थान क्षेत्र में वितरण प्रक्रिया जिसके माध्यम से आबादी में परिवर्तन हो या नहीं हो ये जानकारी मिलती है। तो यहाँ पर एंथ्रोग्राफी, ट्रोपोग्राफी, डेमोग्राफी, ये कहा जाता है डेमोग्राफी है जिसका थ्योरी जो है ना यह एक बहुत ही मतलब
ग्रेट कॉन्सेप्ट है जिसमें कहा गया है कि जनसंख्या वृद्धि जो है ना, बर्थ डेथ, बर्थ डेथ, बर्थ डेथ और क्या कहते हैं, बर्थ एंड डेथ रेट पर आधारित होता है, बर्थ एंड डेथ रेट पर आधारित होता है। तो पहला स्टेप होता है जिसमें बी आर जो है वह पॉजिटिव होता है, ठीक है, और डी आर जो है यह भी पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, जनसंख्या का जो वृद्धि है ना वह फिक्स होगा, पहले जैसा है वैसा ही होगा। दूसरे सेक्टर में क्या होगा, बी आर जो है यह बी आर पॉजिटिव रहेगा लेकिन डी आर जो है यह निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये निगेटिव हो गया, जो पॉजिटिव हुआ तो बहुत तेजी से जनसंख्या बढ़ेगी, विस्फोट होगा, तीसरे स्टेज में होगा, बी आर भी घटना शुरू हो जाएगा और डी आर तो बहुत तेजी से घटेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, जनसंख्या जो है ना बढ़ेगा, वृद्धि होगी लेकिन बहुत तेजी से वृद्धि नहीं होगी। और चौथे रेंज में जो होता है वह बी आर जो है वह लगातार घटना शुरू हो जाएगा और डी आर जो है वह घटते घटते फिर पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर जनसंख्या जो होगा वह घटना शुरू हो जाता है। तो यही चार स्टेप जो है डेमोग्राफी का फिगर होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जनांकिकी यानी कि डेमोग्राफी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए भाई अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है तो देखिए आप आ रहे स्क्रीन पर, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से महिला शतरंज विश्व रैपिड पूछा जा रहा है कि महिला शतरंज, ठीक है, महिला शतरंज विश्व रैपिड चैंपियंस बनने वाली पहली भारतीय, पहली ग्रैंड मास्टर। देखो भाई, जब शतरंज के खिलाड़ी में जब वह चैंपियन होते हैं तो उसका एक लेवल होता है ग्रैंड मास्टर का। तो सबसे भारत में सारे लोग ग्रैंड मास्टर रह चुके हैं, तो लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि पहली और वो भी महिला शतरंज। तो यहाँ पर कोनेरू हम्पी, ठीक है, यह सबसे पहली महिला ग्रैंड मास्टर चैंपियंस थी। तो आप याद रखिएगा कि भारत के पहले ग्रैंड मास्टर जो था विश्वनाथन आनंद थे पुरुषों में और भारत के महिला में कोनेरू हम्पी थे। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, अगला क्वेश्चन है बहुत ही साधारण क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन में है, डैश के आधार पर उद्योगों के वर्गीकरण के संयुक्त क्षेत्र, यहाँ पर संयुक्त क्षेत्र की बात किया जा रहा है, संयुक्त क्षेत्र कौन सा क्षेत्र होता है। तो संयुक्त क्षेत्र देखिए, उद्योग का वर्गीकरण जो है ना, उद्योग का वर्गीकरण दो बेसिस पर किया जाता है, ठीक है, एक होता है स्वामित्व के विशेष पर और एक होता है निवेश के आधार पर, ठीक है। स्वामित्व के विशेष पर क्या होगा, तो यहाँ पर तीन सेक्टर होता है स्वामित्व के विशेष पर, एक होता है निजी क्षेत्र के उद्योग, एक होता है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग और एक होता है संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। तो यानी कि यहाँ हो गया निजी, यहाँ हो गया, ठीक है, ये हो गया प्राइवेट, ये हो गया पब्लिक और ये बीच वाला जो है वह ज्वाइंट सेक्टर हो गया। यहाँ पर संयुक्त क्षेत्र हो गया। और निवेश के आधार पर क्या होता है, यहाँ पर तीन तरह का उद्योग होता है, एक होता है कुटीर उद्योग, ठीक है, एक होता है लघु उद्योग और एक लास्ट होता है बृहत उद्योग, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा रहा है उद्योगों का वर्गीकरण संयुक्त क्षेत्र किसके आधार पर होगा, स्वामित्व के आधार पर, जिसका आंसर हो जाएगा एक, स्वामित्व के आधार पर। बिल्कुल क्लियर हुआ, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा ये, देखो अगला क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मेट्रो शहर पूछ रहा है, मेट्रो शहर भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला है, भारत में। देखो भाई 2011
ये 2011 का जनगणना जो है ना, जनगणना 2011 के बाद अभी नहीं हुआ, 21 में होना था लेकिन कोविड के कारण यह जनगणना नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ठीक है, नहीं हो पाया। और इसके आधार पर जब तक जनगणना का रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हो जाता है तभी तक मान्य होगा। और इसके तो अनुसार को जो शहर है वो सबसे बड़ा शहर जो है मुंबई है, ठीक है, 2011 के जो दौरान। लेकिन अभी के डेट में जो 2023 चल रहा है और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो दिल्ली की जनसंख्या लगभग 33 मिलियन को पार कर गया है और अभी सबसे ज़्यादा जो है दिल्ली का हो गया है। लेकिन 2011 इसमें फिगर कर दिया है, इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, मुंबई हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर बहुत ही सरल है कि मुंबई कुछ शहर है, दिल्ली के बाद मुंबई है, उसके बाद कोलकाता, चेन्नई है, तो आप याद रखिएगा इसको, ठीक है। अगले क्वेश्चन में हमारा ये है, अगला क्वेश्चन है 2022 के भारतीय केंद्रीय बजट में, 2022 के भारतीय केंद्रीय बजट में, 2022 के भारतीय केंद्रीय बजट में डिजिटल संपत्ति जिसको कहते हैं क्रिप्टो करेंसी के हस्तांतरण पर कितने प्रतिशत कर लगाया जाए। देखो भाई, ये सब जो है ना विदेशी निवेश को बढ़ावा देने का एक तरीका है। भारत में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी होता है, वो बहुत ही जरूरी है कि हमारा विदेशी इन्वेस्ट बड़ा हो और हमारा विदेशी मुद्रा भंडार भी ज़्यादा हो। तो जब दूसरे देशों की कंपनी हमारे देश में आती है तो उसका लेन देन करने का आधार जो है फॉरेन करेंसी होता है, ठीक है। लेकिन हमारे देश का स्थानीय करेंसी जो है रुपया, वो चलता है हमारे स्थानीय मार्केट में, इसलिए विदेशी लेन देन के लिए सारे देशों ने मिलकर के कुछ विशेष प्रकार का करेंसी इशू किया है और उसी में एक क्रिप्टो करेंसी है जो एक डिजिटल संपत्ति होता है। और उसका जो है ना, जो भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करेगा उसके लिए मैक्सिमम रेट जो है 30% कर देना होगा। यह बजट 2022 में निर्धारित किया गया और यही रेट अभी भी है, 2023-24 के बजट में भी यही है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से किस चोल शासक बहुत ही फेमस है, चोल शासक हमारे देश में, ठीक है, यहीं से स्थानीय स्वशासन शुरू हो गया, ठीक है। तंजावुर में निशुम्भ सुंदनी देवी, ये बहुत ही फेमस देवियों में से एक मानी जाती था, मंदिर का निर्माण करवाया था, चोल वंश के शासक थे विजयालय, चोल वंश के संस्थापक कौन थे, विजयालय थे, ठीक है, विजयालय तो। और इसके जो प्रतापी शासक हुआ था वह राजेंद्र चोल था। और हम मैंने अभी तुरंत बताया, ठीक है, कि ये स्थानीय स्वशासन के लिए फेमस रहा था। अभी बहुत ही लेटेस्ट चोल से संबंधित है जो हमारे पार्लियामेंट जो 28 मई को शुभारंभ हुआ, हमारा ट्रायंगल पार्लियामेंट जो पहले 75 साल से जो हमारा पार्लियामेंट था उसके स्थान पर जो बनाया गया था उसमें सिंगोल नाम का एक सिंबॉलिक चिन्ह रखा गया है, वो कभी चोल वंश के राजाओं के द्वारा प्रयोग किया जाता था और कभी मौर्य वंश के द्वारा, कभी गुप्ता शासकों ने उस सिंगोल का स्टिक जो है ना आप देखोगे कि उसका प्रयोग किया गया था, वह कभी चोल वंश के शासकों ने इसका इस्तेमाल करता था और आज हमारे देश में उसको संसद में स्थापित किया गया था। वैसे जब 1947 में भारत का जो स्वतंत्रता हुई थी और माउंटबेटन जो भारत को जवाहरलाल नेहरू को ये सत्ता सौंपा था तो वहाँ पर भी यह सिंगोल जो है ना के माध्यम से सत्ता हस्तांतरित किया गया था। उस परंपरा को फिर से अभी दोहराया गया, वो परंपरा पहले से 1947 में चलती आ रही, कोई नई बात नहीं है सिंगोल को स्थापित करने का। लेकिन जो हमारे प्रधानमंत्री माननीय जो नरेंद्र मोदी जी है उन्होंने उसको फिर से रिशुभारंभ जिसको कह सकते हैं पुनर्शुभारंभ करवाया, ठीक है। तो वहाँ से पूछ रहा है कि निशुम्भ
सुंदनी मंदिर किसने बनाया था? तो ये बिजलयाल जो संस्थापक थे, ये संस्थापक माना जाता है चोल वंश का, ठीक है। तो चोल वंश की कुछ खासियत हमने बताया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन है अजीत कुमार डोभाल, ये बहुत आईपीएस रह चुके हैं, हमारे देश का आईपीएस रह चुके हैं, और यह किस पोस्ट पर है? नरेंद्र मोदी के समय में बहुत ही अच्छे पोस्ट पर है, वर्तमान में क्या है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है अजीत डोभाल, बहुत ही हैंडसम पर्सनैलिटी और काफ़ी वेल मेंटेन, और खास करके हमारे जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर है, जितने भी देश के सिविल सर्वेंट जो है, उसमें से इसका एक महत्वपूर्ण स्थान मिला हुआ है, ठीक है, अजीत कुमार डोभाल को। तो वह किस पद पर है? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पोस्ट पर है, ठीक है। अगले क्वेश्चंस की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बहुत ही संक्षिप्त में ये क्वेश्चंस हम लोग ने अरेंज किया है, और ये सारा क्वेश्चंस जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, आप इस चैप्टर को देख करके आगे की तैयारी कर सकते हैं। क्वेश्चंस है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य, देखो भाई यहाँ से भी सवाल पूछा जाता है लोक नृत्य से, लोक नृत्य, ये लोक नृत्य जो है ना, या संबंधित राज्य और युगम ढंग से गलत लिखा है, गलत ढंग से सुमेलित है, तो यहाँ गलत लिखा गया है, ठीक है। एक तरफ राज्य है, एक तरफ नृत्य है, तो अरुणाचल प्रदेश में यह जनजातीय नृत्य है बांचो, बिल्कुल सही है, इसमें ये हमने सही इस हिसाब से किया कि यह सही सुमेलित है, गलत नहीं है, ठीक है। तो ये सही सुमेलित है। घूमर, तो आपको पता है घूमर जो है यह एक ग्रुप डांस है और बिहार में प्रचलित है, नहीं हाँ बिहार में ग्रुप डांस जाटा जाटिन है, ठीक है, यहाँ पर होता नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? घूमर। नॉन्ग क्रेम जो है मेघालय में प्रचलित है, और पंजाब में दिग्घा है, यह भी पंजाब में प्रचलित है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, तो गलत कौन सा है? तो घूमर है जो बिहार में प्रचलित नहीं है, यही सवाल आपसे पूछा जाता है। ये लोक नृत्य है, एक राष्ट्रीय नृत्य होता है, जैसे तमिलनाडु में जो है वह भरतनाट्यम है, केरला में एक कथकली है, और उत्तर प्रदेश में कथक है, उसी तरह से मणिपुर में मणिपुरी है, उड़ीसा में ओडिसी है, ये कुछ खास राष्ट्रीय नृत्य है जो नेशनल लेवल पर अपनी पहचान बनाए हुए। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय रेत कला, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है भाई, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है? तो देखो अंतर्राष्ट्रीय रेत कला उत्सव, अंतर्राष्ट्रीय रेत कला उत्सव आमतौर पर आयोजित किया जाता है, ये कहाँ आयोजित किया जाता है? उड़ीसा में, कभी ओडिसी, यहाँ पर ओडिसी नाम का नृत्य चलता है, और उड़ीसा समुद्र तट पर स्थित है, यहाँ पर पुरी का जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर और भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर प्रसिद्ध है, वहीं पर अंतर्राष्ट्रीय रेत कला समुद्र तट पर मनाया जाता है, ओडिशा में मनाया जाता है, ठीक है। ओडिशा बहुत ही फेमस स्थान है, यहाँ लौह अयस्क इस्पात का बहुत ज़्यादा मात्रा में आयात किया जाता है, सॉरी निर्यात किया जाता है लौह अयस्क का, और उत्पादित आयरन स्टील का आयात किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओडिशा, उड़ीसा जो है पहले बिहार में था, और 1936 में बिहार से अलग किया गया था, और बिहार चूंकि पता है आपको बंगाल में था, और बंगाल को 1912 में बिहार को अलग किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन है हमारा ये, देखिए यहाँ पर इतिहास से यह क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान बहुत ही फेमस था टीपू सुल्तान, ठीक है, यहाँ पर मैसूर किंगडम का यह सुल्तान था, मैसूर राज्य के संस्थापक हैदर अली थे, और इसी का बेटा हुआ टीपू सुल्तान हुआ था, बहुत ही फेमस शासक हुआ था टीपू सुल्तान, देखिए बहुत ही फेमस था टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान की तलवार अपने आप में बहुत फेमस है, और इसकी राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। जब एंगल मैसूर युद्ध हुआ था, तो उसी युद्ध में 1799 में चौथा युद्ध हुआ, और चौथे युद्ध में एक तरह से चार युद्ध, पहला युद्ध जो हुआ था उसमें
हैदर अली ने नेतृत्व किया, दूसरा में भी हैदर अली ने नेतृत्व किया और उस दोनों युद्ध में हैदर अली और टीपू सुल्तान मिल करके विजय प्राप्त किया था। तीसरा में हैदर अली के पुत्र टीपू सुल्तान नेतृत्व किया और जीता भी और ब्रिटिश उसमें हार गया था और लास्ट में कुछ संधि हुआ था और उसी में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई और श्रीरंगपट्टनम अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए 1799 ईस्वी में जो जिस समय में वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के गवर्नर बने थे तो उसकी मौत हो गई। तो 1700 क्या हो जाएगा इसका आंसर, 1799। ठीक है, तो टीपू सुल्तान कहाँ के राजा थे, मैसूर साम्राज्य के राजा थे। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, देखो भूगोल से क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और सौर मंडल के बारे में पूछा है, सौर मंडल के बारे में पूछा है, सौर मंडल, ठीक है, किस ग्रह को, सौर मंडल के किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, पृथ्वी का जुड़वा, ठीक है, पृथ्वी के अलावे जो सौर मंडल में 8 प्लानेट है और 8 प्लानेट में जो सबसे बड़ा प्लानेट है बृहस्पति है, उसके बाद सैटर्न, शनि है, उसके बाद अरुण है, वरुण है और उसके बाद जो अन्य जो आंतरिक ग्रहों में है उसमें पृथ्वी है, मंगल है और शुक्र और बुध है, ठीक है, जिसमें कहा जाता है पृथ्वी का, पृथ्वी भी प्लानेट है और पृथ्वी की तरह कुछ नेचर और झुकाव है, वह है 23.5 डिग्री अक्षांश पर, तो वो है किसका, तो वरुण का है, नेपच्यून का, ये बहुत बड़ा कैरेक्टर है पृथ्वी का, तो इसलिए पृथ्वी को जुड़वा ग्रह माना जाता है वरुण ग्रह को, ठीक है, तो वरुण ग्रह क्या है, जुड़वा ग्रह है, वीनस को एक तरह से कहते हैं भोर का तारा है, बुध सबसे निकटतम ग्रह माना जाता है और शनि जो है बहुत ही स्मार्ट और शांत ग्रह है, शनि सैटर्न, ठीक है, बहुत ही सुंदर ग्रह है जिसके चारों तरफ एक तरह से रिंग बना हुआ है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वरुण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 22 नंबर का, क्या है तो देख लेते हैं क्या है, क्वेश्चन है डैश की स्थापना 1867, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है भाई, 1867, ठीक है, ये संस्था से संबंधित है, दादोब पांडुरंग, ठीक है, और उसके भाई आत्मारंग पांडुरंग द्वारा की गई थी, केशव चंद्र सेन ने लोगों को एक ईश्वर में विश्वास करने और केवल एक ईश्वर की पूजा करने के उद्देश्य से महाराष्ट्र का दौरा किया था, अर्थात वह 1867 ईस्वी में एक तरह से प्रार्थना समाज को स्थापित किया था, ठीक है, आत्माराम पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज, उसे देवेंद्रनाथ टैगोर भी इस समाज से जुड़ा हुआ था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रार्थना। वैसे ब्रह्म समाज का स्थापना 1828 ईस्वी में हुआ था और 1867 ईस्वी में, 67 ईस्वी में साधारण ब्रह्म समाज, 1875 ईस्वी में हुआ था आर्य समाज और प्रार्थना समाज का 1867 में हुआ था, तो यहाँ पर हो जाएगा 1867 प्रार्थना समाज, ठीक है, इसमें जो सामाजिक रीति रिवाज था उसको ख़त्म करने की बात कही गई थी, जो रूढ़िवादी व्यवस्था थी उसको ख़त्म करने की बात हुई थी। आगे क्वेश्चन है पद्मा सुब्रमण्यम, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ये पर्सनैलिटी से लेकर के है, देखो भाई जो यहाँ पर क्वेश्चन का कैरेक्टर है, हर तरह का क्वेश्चन हम लोग ने डाला है और चयन करके डाला है, ठीक है, पद्मा सुब्रमण्यम किस शास्त्रीय नृत्य से के जाने माने खिलाड़ी है या नर्तक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन है पद्मा सुब्रमण्यम को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर कथक उत्तर भारत में है, यूपी उत्तर प्रदेश में चलता है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में चलता है, आंध्र प्रदेश में, मोहिनीअट्टम जो है मणिपुर या केरल में चलता है, केरल में, और भरतनाट्यम तमिल नाडु में चलता है, भरतनाट्यम, और इसी से संबंधित है पद्मा सुब्रमण्यम, पद्मा सुब्रमण्यम महिला है और ये काफ़ी मशहूर है, ठीक है, वैसे जितनी भी फिल्म सिटी के हीरोइन है वह भरतनाट्यम काफ़ी सुसज्जित नृत्य है, क्लासिकल डांस को माना जाता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पद्मा सुब्रमण्यम का आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस टीम ने आईसीसी यहाँ पर कुछ टर्म दिया हुआ है, आईसीसी जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होता है, महिला विश्व कप 2021-22 जीता,
तो यहाँ पर देखिए, मैं एक बता दूँ कि 2020 से लेकर के 22 तक कोविड का प्रभाव रहा था और 2021 में भी यह ICC महिला विश्व कप हो नहीं पाया था, और जब यह 2022 के अंतिम समय में हुआ था तो वह कहाँ, किसने जीता, वह ऑस्ट्रेलिया में ने जीता और न्यूजीलैंड में हुआ था और ऑस्ट्रेलिया ने इसको जीता था। ठीक है, अगले क्वेश्चंस की तरफ, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हमारा ये स्क्रीन पर आता है। देखिए, भारत में न्यायालयों में के कितने विभिन्न स्तर है, भारत में न्यायालयों के विभिन्न स्तर के बारे में पूछ रहा है, क्या है, तो न्यायालय कोर्ट की बात करते हैं। भारत में न्यायालय, ये भारत में जो न्यायालय का स्तर है वह बहुत ही एक तरह से कहते पिरामिड नुमा है। ठीक है, जैसे मैं आप इसको बता रहा हूँ, ये सबसे ऊपर में जो है वह सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय है, सबसे ऊपर में है सर्वोच्च न्यायालय। यह आकार में छोटा है, अर्थात एक ही है, इसमें क्या है, एक आकार में है और ये एक है, लेकिन काफी शक्तिशाली है, इससे थोड़ा संख्या में ज्यादा इसके नीचे वाला है और वह है उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, और इससे बड़ा जो है वह डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जिसको कहते हैं व्यवहार न्यायालय, व्यवहार न्यायालय, व्यवहार न्यायालय। ठीक है, और इससे नीचे भी है, इससे नीचे भी होते हैं, इससे नीचे कहाँ होता है, जो कहते हैं नगरीय न्यायालय, जिसको सिटी कोर्ट कहते हैं, नगर न्यायालय। ठीक है, नगर न्यायालय सिटी कोर्ट होता है, तो पहले रेंज पे हो गया, यह केंद्र में होगा, केंद्र में होगा, यह राज्य में होगा, यह एक तरह से कहते हैं प्रमंडल में होगा, प्रमंडल में होगा, और ये जो है उससे नीचे जो है वह जिला में, जिला में होगा, सबऑर्डिनेट जो कहते हैं यहाँ पर किस लेवल पर होगा, जिला लेवल में। ठीक है, तो केंद्र में एक होता है सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, एक, चार आंसर हो जाएगा। इसके बाद भी न्यायालय होते हैं जो स्थानीय स्तर पर होता है, जो ग्राम कचहरी होता है, लेकिन वह स्थानीय स्वशासन का भाग है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों का पूरा सफ़र जो है वह पूरा हुआ आज का, और आज जो है हम लोग इस CGL को लेकर के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस था उस पर मैंने डिस्कशन किया। आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट करें, और इस सीरीज को आगे भी हम लोग जारी करेंगे। ठीक है, फिलहाल ठीक है, आपसे विदा लेते हैं, थैंक यू वेरी मच, ओके।